भारत की पहली संगमरमर की इमारत। आइए दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है और भारत की पहली संगमरमर से बनी इमारत कौन सी थी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा होसंग शाह का मकबरा, जिसका निर्माण होसंग शाह ने करवाया था, जो मालवा के पहले इस्लामिक राजा थे। इनका पूर्व नाम अल्प खां था और इनके पिता का नाम दिलावर खां था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो शाहजहां ने आगरा में, आप लोगों ने देखा ही होगा आगरा का ताजमहल, उसको जो निर्माण करवाया है, और उसके लिए पहले शाहजहां ने इसी होसंग शाह के मकबरे से जानकारी ली थी, क्योंकि उन्होंने अपने जो कारीगर पहुंचाए थे इस मकबरे के निर्माणकर्ताओं के पास, जिन्होंने यह मकबरा बनाया था, और उन्हीं के पास उन्होंने अपने कारीगर पहुंचा, उनसे उन्होंने कला सीखी इसी मकबरे की, और आगरा में ताजमहल बनवाया। और दोस्तों, इसमें जो गुंबद है उसके नीचे कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जिसमें से तीन संगमरमर की बनी है, बाकी अन्य मटेरियल की बनी हुई है। और इसके जो तीन ऐसे तथ्य हैं जो शायद आप तो नहीं जानते होंगे, आई बिलीव दैट, ये सबसे पहली बात, ये पूर्ण रूप से तो संगमरमर से बना है, इसमें किसी अन्य मटेरियल का यूज़ कम किया गया, बहुत कम, शायद ही नहीं, और ये तो पूर्ण रूप से संगमरमर से बना है। और दूसरी बात, यह भारत की पहली संगमरमर की इमारत थी, इससे पहले कोई भी इमारत भारत में संगमरमर से नहीं बनी थी। और तीसरी बात, मध्य प्रदेश का इसे ताजमहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही भारत से जुड़ी रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।